इस कोर्स में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैंट एशिया में रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। कैंट एशिया असेंशियल ट्रेनिंग इस कोर्स का, इस ट्यूटोरियल का नाम है। इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले, इसकी डिटेल्स में जाने से पहले, सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। हमें से सबसे पहले यह है कि हम अपना लॉगिन अकाउंट एक डिफरेंट बनाते हैं, जो उसको कैसे क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम ही हम सिंपल रखेंगे रिकॉर्डिंग, ताकि हमारा रिकॉर्डिंग के लिए हम जो उसकी सेटिंग्स है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट कर सकें, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरा यूजर लॉगिन है उससे डिफरेंट हो। इसके लिए मुझे सबसे पहले, मैं अपने स्टार्ट मेनू में जाके वहाँ से कंट्रोल पैनल में जाऊँगा। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पर ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट्स में गया मैं। जब मैं ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट्स में जाऊंगा, इसके पास मेरे पास ऑलरेडी नॉर्मल यूजर और ये अकाउंट पड़ा है, मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट करूंगा। क्रिएट अ न्यू अकाउंट किया मैं, यहाँ पर इसका नाम रिकॉर्डिंग रख देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स भी दे दिया कि मैं इसमें अगर चेंजिंग्स चाहूँ तो मैं चेंजिंग्स कर सकता हूँ। मैंने क्रिएट एन अकाउंट कर दिया। इसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग का अकाउंट ये शो हो रहा है, मैंने इसको क्लिक किया और इसको मेरे पास डिफरेंट मैं चेंज कर सकता हूँ। अकाउंट का नेम, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, पिक्चर चेंज कर सकता हूँ, इसके पेरेंटल कंट्रोल्स को सेटअप कर सकता हूँ, अकाउंट टाइप सेट चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, मैनेज एंड अदर अकाउंट कर सकता हूँ। मैं इसमें यहाँ पर क्रिएट अ पासवर्ड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ इसका, उसका कंफर्म पासवर्ड किया है मैंने। और मैंने अगर यहाँ पे पासवर्ड का हिंट देना है कि अगर मैं पासवर्ड बोलूँ तो मैं हिंट चेक करके कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने क्रिएट पासवर्ड किया,